हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, गायत्री विद्या मंदिर उच्च माध्यमिक विद्यालय सांचौर जिला जालौर के हमारे इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का फिर से स्वागत है। प्रिय विद्यार्थियों, मैं अनिल कुमार सोनी, कक्षा 8, विषय गणित, अध्याय 8, राशियों की तुलना, प्रश्न 8-3 के सवाल नंबर 5 से आज आपको हल कराऊंगा। देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 5 में क्या लिखा है। मूलधन 60,000 रुपए है, दर 12% वार्षिक है और ब्याज का संयोजन अर्धवार्षिक होता है, तो मैं 6 महीने की कुल राशि और 1 वर्ष की कुल राशि ज्ञात करनी है। देखो आपके पुस्तक में क्या लिखा है, वासुदेव ने 12% वार्षिक दर पर 60,000 रुपए का निवेश किया। 12% की दर से 60,000 रुपए का निवेश कौन करता है? वासुदेवन। यदि ब्याज अर्धवार्षिक संयोजित होता है, ये ब्याज अर्धवार्षिक संयोजित होता है, तो ज्ञात कीजिए कि नंबर 1, वह 6 महीने के अंत में कुल कितनी राशि चुकाएगा, मतलब 6 महीने का मिश्र धन हमको ज्ञात करना है। दूसरा क्या है, 1 वर्ष के अंत में वह कुल कितनी राशि प्राप्त करेगा। तो ध्यान देना, उसने 60,000 रुपए का निवेश किया तो ब्याज संयोजन अर्धवार्षिक के दर 12% है, तो 6 महीने बाद में उसको कुल कितना रुपया मिलेगा तथा 1 वर्ष के अंत में उसको कुल कितना रुपया प्राप्त होगा, यह हमें ज्ञात करना है। तो देखो बच्चों, ब्याज संयोजन अर्धवार्षिक है इसलिए कुल राशि क्या करेंगे, यानी मिश्र धन, तो सूत्र क्या होगा, ए बराबर ध्यान देना पी गुणा ए प्लस आर बटा 200। यदि ब्याज संयोजन वार्षिक होता तो यहाँ लिखते हम आर बटा 100 और पावर में लिखते हैं यहाँ पे एन, ये होता है वार्षिक में ही होता है। चक्रवर्ती मिश्र धन ज्ञात करने का सूत्र, चूंकि ये ब्याज संयोजन कैसा हो रहा है बच्चों, अर्धवार्षिक, तो अर्धवार्षिक में ये आर बटा 200 हो जाएगा और समय हो जाएगा 2n। ये सूत्र आप याद करना बच्चों, भूल मत करना। अब देखो, इसलिए a बराबर p का मान तो हम लिखेंगे 60,000 गुणा a प्लस r। अब r कितनी है देखो बच्चों, यहां पे कितनी है, 12%, तो 12 लिखेंगे हम बट्टा 200 बट्टा 200 और समय 2n, यानी 6 महीना है, 6 महीने का डबल कितना हो जाएगा, देखो ध्यान से आप, ये समय हम ज्ञात कर लेंगे यहाँ पे, 6 माह को 2 से गुणा करेंगे तो बन जाएगा 12 माह, तो कितना बन जाएगा ये 1 वर्ष, तो समय यहाँ पर जाएगा डबल, 2n, 6 महीने का डबल होता 12 महीना, तो महीने तो लिख नहीं सकते क्योंकि हमेशा दर कैसे होती है, वार्षिक होती है, तो 12 महीने हो गए, 12 महीने का कितना वर्ष बन गया, 1 वर्ष, तो यहाँ लिख देंगे अपन 1, 2n का मतलब 2 × 6 यानी 12 महीने, तो 12 मतलब ना, यदि ये 6 वर्ष होते तो 6 × 12 लिखता मैं, राइट, तो ये लिखना है। अब इसको हल कीजिए, a बराबर 60,000 गुणा में 200 × 200 और 12 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 212 बटा 200, राइट, ये हो गया हमारे पास में, ध्यान देना ये 12 बटा 200 है, 200 × 200 ये 12 जोड़े 212 बटा 200। अब आप काट दीजिए, देखो 2 से 2 हम काट देंगे बच्चों, राइट, अब 2 का भाग देंगे हम तो कितना आएगा 300, तो a बराबर आ गया 300 गुणा में 212। अब गुणा करेंगे 00 × 00, 3 का गुणा 2 से करेंगे 6, 3 × 3 और 3 × 2 = 66,600 रुपए। तो वासुदेवन को 6 महीने बाद कितनी राशि प्राप्त होगी बच्चों, 60,000 रुपए का उसने निवेश किया तो 6 महीने बाद उसको 66,600 रुपए की राशि वापस प्राप्त हो जाएगी, राइट। अब तो 1 वर्ष बाद में उसको कितनी राशि प्राप्त होगी, ये हमें ज्ञात करना है, सूत्र यही लगाएंगे वापस, ए बराबर पी गुणा
एक प्लस आर बट्टा 200, समय आएगा 2n, राइट। अब देखिए बच्चों, आप P का मान वापस क्या आ जाएगा, वही 60,000 आएगा। एक प्लस आर, आर का मान वापस 12 आ जाएगा बट्टा 200। तो क्या होगा यहां पे, यहां केवल समय चेंज होगा। देखो सूत्र वो का वही है, यहां समय एक वर्ष था क्योंकि 6 महीने का डबल होता 12 महीना, तो एक वर्ष बन गया। यहां समय एक वर्ष है तो 2 गुणा 1, समय हो जाएगा 2 गुणा 1, 2 वर्ष हो गया ये। अब देखो बच्चों, ये 60,000 200 एकम 212 जोड़ देंगे तो 212 बटा क्या लिखेंगे, 200, और ऊपर आ जाएगा 2 एकम 2 समय, 2 वर्ष हो गया। इसका मतलब यह हुआ कि ये 60,000 वैसा का वैसा, और 212 बटा 200 को 2 बार लिखेंगे हम, 212 बटा में 200 और 212 में बटा में 200। अब आप काटना सीखो बच्चों, कितना सरल है। 2 शून्य नीचे से 2 शून्य ऊपर से हमने काट दिया, फिर 2 शून्य नीचे से 2 शून्य ऊपर से काट दिया। अब 2 को इससे काटेंगे तो आएगा 3 बढ़ गया। अब 2 को तो इससे काट दो, 2 को तो इससे काट दो, मेरे पास है जगह कम है तो मैं इधर काट देता हूं। 2 का बार देंगे तो कितना आएगा, 106। 212 का 106 होता है, तो हमारे पास बच्चों क्या बच गया, 3 गुणा, ध्यान देना, 212 गुणा 106। अब हम इनको गुणा कर लेंगे बच्चों। देखो 212 को 3 से गुणा करना तो ये होता है 637, इन दोनों को गुणा, फिर 106 से हम गुणा करेंगे, 6×6=36 हासिल के 3, 6×18=21 की 1 हासिल के 2, 6×6=36 और 2×38, ये 1 जीरो की 1 जीरो लगा दी मैंने, बच गया 1 का इससे गुणा करेंगे 636 से, तो 636 ही वापस आ जाएगा। 6×6=1 और 8×6=14 4 हासिल की 1, 3×3=6 और 1=7, 6×6=67,416। ये गुणा सही करना भैया, ये आ गया इसका आंसर। तो आपको अच्छी तरह समझ में आ गया, वासुदेव ने 60,000 रुपए की राशि 12% वार्षिक दर से 6 महीने निवेश किया और ब्याज का संयोजन अर्धवार्षिक है, तो वासुदेव को 6 महीने बाद 63,600 रुपए राशि प्राप्त होगी और वासुदेव को 1 वर्ष बाद में 67,416 रुपए की राशि प्राप्त होगी। अब आप बच्चों इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसके बाद मैं आपको अगला सवाल नंबर 6 सिखाऊंगा। अब देखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 6, इसमें लिखा है आरिफ ने एक बैंक से 80,000 रुपए का कर्ज लिया, यदि ब्याज की दर 10% वार्षिक है तो एक सही 1/2 वर्ष यानी 1.5 वर्ष पश्चात उसके द्वारा भुगतान की जाने वाली राशियों में अंतर ज्ञात कीजिए। यदि ब्याज नंबर 1 सवाल में वार्षिक संयोजित होता है, नंबर 2 सवाल में अर्धवार्षिक संयोजित होता है। देखो बच्चों, आरिफ ने 80,000 रुपए का कर्ज लिया 10% की दर से 1.5 वर्ष के लिए। अब देखो 1.5 वर्ष का हमें क्या क्या करने, समझो कि आरिफ कितनी राशि चुकाएगा 1.5 वर्ष बाद में, यानी हमें मिश्रण ज्ञात करना है, एक का मान ज्ञात करना है, हमें मिश्रण ज्ञात करना है कि आरिफ 1.5 वर्ष बाद में कितनी राशि चुकाएगा। 2 शर्तें, यदि ब्याज वार्षिक हो तो वह 1.5 वर्ष बाद में कुल कितनी राशि चुकाएगा, यदि ब्याज अर्धवार्षिक हो तो वह 1.5 वर्ष बाद में कितनी राशि चुकाएगा। तो एक बार तो हमें मिश्रधन वार्षिक के हिसाब से ज्ञात करना है, एक बार हमें मिश्रधन अर्धवार्षिक का सूत्र लगा के ज्ञात करना है, फिर दोनों का अपन को डिफरेंस ज्ञात करना है, तो मालूम पड़ जाएगा कितनी राशि का अंतर होगा। आए समझ में, तो देखो बच्चों यह ब्याज वार्षिक है तो सूत्र लगाऊंगा मैं मिश्रण का, ए बराबर होता है पी गुणा ए प्लस
आर बटा 100 की पावर एन, राइट, ये एक नंबर का है। दो नंबर वाला इधर करेंगे हम, वही ए बराबर पी गुणा ए प्लस, अब आर बटा 100 था यहां पे, तो वार्षिक में तो ये सूत्र होता है, परमानेंट सूत्र ही होता है, अर्धवार्षिक में बटा 100 की जगह 200 हो जाता है और सभी एन की जगह 2n हो जाता है, राइट। ये सूत्र का विशेष ध्यान देना, अर्धवार्षिक में मिश्रधन का ये सूत्र लगता है यानी कुल राशि ज्ञात करने का, और वार्षिक में मिश्रधन का ये सूत्र लगता है यानी कुल राशि ज्ञात करने का। फर्क क्या है कि देखो ये सूत्र हमारा फिक्स सूत्र है, वार्षिक में सूत्र लगता है मिश्रधन ज्ञात करने का, अर्धवार्षिक में ये आर बटा 100 का दुगुना हो जाएगा 200, ऐसे समझ में, और ये एन का दुगुना हो जाएगा 2n, ठीक है। अब हम क्या करेंगे बच्चों, देखो ए बराबर पी का मान कितना है 80,000, फिर आर का मान कितना है 10 बटा में 100, और समय क्या लगाएंगे 1.5 वर्ष, एक सही 1/2 वर्ष। देखिए कैसे करेंगे हम, ये 80,000 गुणा, अब आप ध्यान देना ये 1 + 10/100 लिखेंगे हम, 1 + 10/100, ये हमारे पास पूर्णांक कितना है 1 बार लिखेंगे, 2 होता है 2 से 1/2 तो 2 बार लिखते हैं इसको 1 + 10/100 को, यदि 3 से ही 1/2 होता तो 1 + 10/100 को हम 3 बार लिखते, राइट। तो 1 बार लिख दिया 1 + 10/100 गुणा, फिर लिखेंगे 1 + अब हम 10/100 नहीं लिखेंगे क्योंकि दर कितनी है 10 है, इस 10 को जो समय बच गया ना शेष इससे गुणा करके देखो, तो देखो हम देखेंगे 10 × 1/2 जो समय बच गया उसको दर से गुणा करके देखो आप, तो दर चेंज हो जाएगी, 2 से देंगे भाग 5 बार गया 5 × 5, अब दर कितनी बच गई 5, तो हम यहां लिखेंगे 5%, यानी 5/100, राइट। तो एक बार तो लिख दिया 1 + 10/100 और दूसरी बार में 10 को 1/2 से गुणा करके देखेंगे 5% आगे दर, तो लिखेंगे 5/100। अब देखो बच्चों अच्छी तरह से, ये तो आ गया 80,000, अब आप ध्यान देना 1 शून्य से 1 शून्य कट गया, 10 × 10 में 1 जोड़ देंगे तो 11/10, अब देखिए 5 से कट गई, 5 × 5, 5 का भाग देंगे तो 20 बार गया भाग, तो यहां आ गया 1 + 1/20, इस मिश्र बिन को भी बदल देंगे साधारण बिन में, 20 × 20 और 1 जोड़ देंगे 21 / 20। अब आप काटने से को बच्चों वही तरीका, एक नीचे के शून्य से एक ऊपर के शून्य कट गई, फिर एक नीचे के शून्य से एक ऊपर के शून्य कट गई, अब 2 × 1 = 2 और 2 का भाग देंगे 800 में तो कितने बार जाएगा 400, तो ए बराबर आ गया 400 गुणा 11 × 21, 21 को 11 से गुणा कर लो, बोले 21 × 21 ये हासिल के 2 21 से 21 और 2 23, 231 आ गया अपना, तो ए बराबर आ गया 400 का गुणा 231 से करेंगे, ये 2 0 वापस आ गई, अब 4 बच गया, 4 का गुणा 231 से करेंगे, 4 × 4 और 23 × 92, ये आया हमारे पास में ब्याज वार्षिक हो तो 92,400 रुपए वो पूरे चुकाएगा, ठीक है। आरिफ ने कर्ज लिया तो वापस चुकाएगा 92,400 रुपए 80,000 के बदले में, यदि ब्याज वार्षिक है। अब देखो बच्चों हमारे करेंगे इसको अर्धवार्षिक के हिसाब से, देखो कैसे करेंगे, ध्यान देना ए बराबर पी, पी का मान लिखेंगे 80,000 गुणा 1 + r, r का मान 10 / 200, समय कितना जगह 2 × 1/2 वर्ष है, 1.5 को लिखेंगे 2 × 2 और 1 3/2, 3/2, 2 से 2 कट गया 3 बच गया, तो a बराबर आएगा 80,000। अब ध्यान देना ये शून्य से शून्य कट जाएगी, तो 1 + 1/20, 1 + 1/20 बच गया,
ऊपर समय कितना आ गया तीन, तो 80,000 गुणा कोष्टक में एक प्लस एक बटा 20 की घात तीन, इसका मतलब समझो आप, ये 80,000 गुणा 20 एवं 20 21, ये 21 बटा 20 हो गया, 20 एवं 20 21 बटा 20 घात तीन है, तो 21 बटा 20 को आप तीन बार लिखो, 21 बटा 20 21 बटा 20 फिर गुणा में 21 बटा 20। अब आप देखिए कार्ड राशि को शून्य से शून्य, नीचे एक दो तीन शून्य है, ऊपर तीन शून्य कट जाएगी, एक दो तीन और तीन में कट काट दिया अपन ने, अब दो दूनी चार, चार दूनी आठ, तो देखो ये दो दूनी चार, चार दूनी आठ है, इस आठ से इस आठ का भाग देंगे 80 में, तो कितने बार जाएगा 10 बार, दो दूनी चार, चार दूनी आठ, आठ का भाग 80 में दिया कितना आ गया 10। अब क्या बच गया हमारे पास 10 गुणा में 21 गुणा में 21 गुणा में 21। अब हम क्या करेंगे, सबको गुणा करेंगे बच्चों, देखो 21 को 21 से गुणा करेंगे 441 होता है, फिर 21 को 10 से गुणा करेंगे तो 210 होता है, राइट, इन दोनों का 210, इन दोनों का 441, अब गुणा करेंगे हम, जीरो से गुणा करेंगे तो तीन जीरो आ गई, एक से गुणा करेंगे तो 441 आ गया, अब दो से गुणा करेंगे तो डबल हो जाएगा 882, ये जीरो यह एक, ये चार और दो कितना गया 6, आठ चार 12 के दो हासिल के एक, आठ एक 9, 92,610 रुपए। अब देखो बच्चों हमने ज्ञात कर लिया वार्षिक के हिसाब से 92,400 चुकाना पड़ता, और अर्धवार्षिक यदि ब्याज लगता है तो 92,610 रुपए चुकाना पड़ता। अब हमें ज्ञात करना दोनों ब्याज की राशि का अंतर है, तो लिखेंगे कुल राशि का अंतर, इसलिए कुल राशियों का अंतर हमें ज्ञात करना है। तो देखो ये 92,400 या 92,610 ये ज्यादा है या कम है, इसमें से बाकी करके देख लो कितना अंतर हो जाएगा, 92,610 माइनस 92,400 बाकी करेंगे बच्चों, देखो 610 में से 400 गया तो 210 रुपए की राशि का अंतर आएगा। तो देखो अच्छी तरह समझ में आ गया, 80,000 रुपए 10% की दर से डेढ़ वर्ष के लिए उधार लेंगे, कर्ज लेंगे, ब्याज वार्षिक लगता है तो 92,400 चुकाना पड़ेगा, और ब्याज अर्धवार्षिक लगता है तो 92,610 चुकाना पड़ता है। इसका मतलब क्या हुआ, अर्धवार्षिक में ब्याज ज्यादा देना पड़ता है क्योंकि एक साल में दो बार देना पड़ता है। तो दोनों राशियों का अंतर कितना गया 210 रुपए, दोनों राशियों का हमने अंतर ज्ञात कर लिया। अब इसके बाद बच्चों आगे के सवाल मैं आपको कल के वीडियो में सिखाऊंगा। धन्यवाद।